हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम मल्टीपल सैम्पलिंग प्लान के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियोस में हमने एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग के बारे में पढ़ा था, फिर उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन की थी, जिसमें हमने सिंगल सैम्पलिंग के बारे में पढ़ लिया और डबल सैम्पलिंग के बारे में पढ़ लिया। आज हम मल्टीपल सैम्पलिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले की वीडियोज़ नहीं देखी तो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो पहले उन वीडियोज़ को जरूर देख लो। आप डबल सैम्पलिंग को जरूर देख लो अगर आपको मल्टीपल सैम्पलिंग को समझना है तो। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बेसिकली यहाँ पर इसकी मल्टीपल सैम्पलिंग, नाम से पहले समझ आ जाएगा उसका नाम क्यों लगा मल्टीपल सैम्पलिंग। जैसे हमने सिंगल सैम्पलिंग में क्या कर रहे थे हम, कि एक लॉट साइज है उसमें से एक ही सैंपल उठा रहे थे, उस सैंपल के अकॉर्डिंग हम देख रहे थे कि हाँ इस लॉट साइज को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। फिर डबल सैम्पलिंग में हमने क्या किया, वो एक लॉट साइज है उसमें हमने क्या किया, उसमें दो सैंपल ले लिए और दो सैंपल के बेसिस पे हम बता रहे थे कि इस लॉट को हम एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। मल्टीपल सैम्पलिंग में बेसिकली क्या है कि हम क्या करेंगे, एक या दो के बजाय हम दो से ज़्यादा सैंपल्स लेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि हमने जो ये लॉट है इसे एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो इसलिए इसका नाम मल्टीपल सैम्पलिंग दिया, क्योंकि दो से ज़्यादा सैंपल इसमें हम यूज़ कर रहे हैं। तो सीधे इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखो बेसिकली हमारे पास है क्या कि पाँच हमने सैंपल लिए यहाँ पर, कोई हमारे पास लॉट साइज था कुछ भी था जो यहाँ पे गिवन नहीं है। हमने उसमें क्या किया, पहले सैंपल साइज लिया, ठीक है, स्मॉल एन वन जो कि हम डिस्कस कर चुके लास्ट की वीडियो में। तो भी सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। हमने एक लॉट साइज ले लिया एन वन इक्वल्स टू फाइव, पहला सैंपल साइज, ठीक है। अब टोटल अभी तक कितने सैंपल साइज ले लिए हमने, पाँच, क्योंकि हमारा पहला सैंपल साइज पाँच का है तो टोटल मिला के भी पाँच ही होंगे। हमने दो नंबर एक्सेप्ट कर दिया, जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि दो एक्सेप्टेंस नंबर होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या, हमने C1 से हम C1 C2 से डिनोट कर रहे थे। यहाँ पर हमने पहला एक्सेप्टेंस नंबर ले लिया 1 और रिजेक्शन नंबर डाल दिया 2। मतलब कि अगर हमने जो सैम्पल साइज लिया पहला 5, अगर उसमें डिफेक्टिव पीसेज जो हैं वो एक से कम होंगे तो हम क्या करेंगे, उस चीज़ को हम, उस लॉट को हम एक्सेप्ट कर देंगे। और अगर वो जो 5 के सैम्पल साइज में डिफेक्टिव पीसेज अगर इस 2 से ज़्यादा हो गए, जो हमने रिजेक्शन नंबर सेट किया है, अगर 2 से ज़्यादा हो गए तो हम क्या करेंगे, उस लॉट को उसी टाइम रिजेक्ट कर देंगे। और अगर दोनों के बीच में वैरी करें तो हम नेक्स्ट आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। अब उसके बाद हमने क्या किया, सेकंड सैंपल साइज लिया हमने, सेकंड सैंपल साइज में हमने फिर से दोबारा से किया, एक सैंपल साइज लिया 5 का। अब ये अलग सैंपल साइज लिया हमने, ठीक है, उसी लॉट से हमने एक अलग से और 5 पीसेस का सैंपल साइज उठा लिया। और अभी तक टोटल कंबाइंड सैंपल साइज कितना हो गया, 5 पहले वाला और 5 अभी का, टोटल 10 सैंपल साइज हो गया। अब हम डिफेक्टिव पीसेज निकालेंगे इसमें से। अब सेकंड सैंपल साइज में कुछ ना कुछ डिफेक्टिव पीसेज आएंगे, तो सेकंड सैंपल साइज के डिफेक्टिव पीसेज और प्लस जो पहले सैंपल साइज के डिफेक्टिव पीसेज थे, उन दोनों को हम ऐड कर देंगे। अब उन दोनों को ऐड करने के बाद जो हमारे डिफेक्टिव पीसेज आए, अब उसके लिए भी हमने दो एक्सेप्टेंस नंबर सेट कर दिए, यानी कि एक एक्सेप्टेंस नंबर और एक रिजेक्शन नंबर सेट कर दिया। अब मान लो कि हमारे पास डिफेक्टिव पीसेज कुछ भी आ गए, दोनों को ऐड करके जो भी सम आया, अगर वो 0 के बराबर हो, 0 से कम, तो क्या होगा, अगर 0 डिफेक्ट हुए तो हम क्या करेंगे, उस लॉट को एक्सेप्ट कर देंगे। बट जो हमारे पास सम आया था डिफेक्टिव्स का, वो 2 से ज़्यादा हो गया तो हम उस लॉट को रिजेक्ट कर देंगे। और अगर इन दोनों के बीच में वैरी करें तो हम क्या करेंगे, आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। अगर जहाँ पर भी हमारा, अगर जैसे मान लो यहीं पर अगर 0 डिफेक्ट आ गए, तो हम यहीं पर उस लॉट को एक्सेप्ट कर देंगे, आगे जाने की जरूरत नहीं है। बट अगर एक्सेप्टेंस नंबर रिजेक्शन नंबर के बीच में वैरी कर रहा है तो हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। फिर हमने क्या किया, थर्ड सैंपल साइज ले लिया, फिर से 5 का सैंपल साइज लिया और टोटल कंबाइंड सैंपल साइज अभी तक हमारे पास 15 का हो गया, ठीक है। अब तीनों के डिफेक्टिव पीसेज को हमने ऐड कर दिया, यानी कि फर्स्ट के डिफेक्टिव पीसेज, सेकंड के डिफेक्टिव पीस और थर्ड के डिफेक्टिव पीस को हमने ऐड कर दिया और फिर से एक एक्सेप्टेंस नंबर सेट कर दिया और एक रिजेक्शन नंबर सेट कर दिया। अब यहाँ पर थर्ड सैंपल नंबर तक जितने भी डिफेक्टिव पीसेज थे हमारे, अगर वो 0 हुए तो हम क्या करेंगे, उस लॉट को एक्सेप्ट कर देंगे। और अगर सभी डिफेक्टिव्स का सम अभी तक अगर 3 से ज़्यादा आ जाए तो हम उस लॉट साइज को रिजेक्ट कर देंगे। और अगर दोनों के बीच में वैरी करें फिर आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। उसी तरह से जैसे हमने फोर्थ वाला ले लिया, फोर्थ में फिर हमने किया सैंपल साइज लिया 5 का और टोटल अभी तक सैंपल साइज हो गया 20 का। टोटल डिफेक्टिव पीसेज अगर 1 से कम हुए तो हम उस लॉट को एक्सेप्ट करेंगे और अगर 3 से ज़्यादा हुए तो रिजेक्ट करेंगे। अगर कंबाइंड बीच में वैरी किया तो हम आगे नेक्स्ट सैंपल साइज की तरफ बढ़ेंगे और इस तरह से आगे फर्दर प्रोसीड करते जाएंगे। तो ये बेसिकली डबल सैम्पलिंग प्लान के बारे में। तो अगर आपको नहीं समझ आया होगा, इसके बारे में थोड़ी कन्फ्यूजन हुई होगी क्योंकि मैंने यहाँ पे N1 एंड क्या है वो चीज़ों के बारे में नहीं बताया, तो आप डबल सैम्पलिंग प्लान की वीडियो पहले ज़रूर देख लें तो आपको शायद इसके बारे में बढ़िया से समझ आ जाएगा। तो कोई भी कन्फ्यूजन अगर आपको है डबल सैम्पलिंग प्लान को देखने के बाद भी, अगर इस वीडियो में कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ, मैं उसको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।